तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई वाले सर। तो आज हम लोग करेंगे कार्बन कंपाउंड्स का पार्ट टू वीडियो लाइव, और ये है आपका साइंस का चैप्टर नंबर 4। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग सही होंगे, अच्छे होंगे, है ना। तो पढ़ते रहिए अच्छे से और अपने आप को बचा के रखिए। बोर्ड एग्ज़ाम सामने है, खेलिएगा तो थोड़ा सावधानी से खेलिए। कहीं बाहर कुछ खाएंगे तो सावधानी से खाइए, सोच समझ कर खाइए, ताकि आपका हेल्थ ठीक ठाक रहे, बोर्ड एग्ज़ाम तक आप लोग एकदम ठीक ठाक रहे। सर आपका वीडियो देख के जोश आ रहा है, ओके डीसी। हाँ सर, बाहर से सबको उठवा के सब्सक्राइब करवाएंगे। ओके, ये CWS आर्मी, देखो ये CWS आर्मी एक हम लोग फैलाएंगे, ये आर्मी आप बनाएंगे बच्चों, ये आप बनाओगे, ये आर्मी आप बनाओगे। ठीक है बच्चों, ये आर्मी आप बनाओगे, मैं नहीं बना सकता, मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूँ। मैं सिर्फ क्या कर सकता हूँ बच्चों, मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूँ। और आर्मी कौन बनाएगा, आप बनाओगे, आप बनाओगे। ठीक है बच्चों, आप आर्मी बनाओगे। ठीक है, तो CWS आर्मी को फैलाइए, ये आपके हाथ में, ये आर्मी आपका आर्मी बनेगा, है ना। और मैं तो जस्ट पढ़ा ही सकता हूँ, मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलो होमोलोगस सीरीज स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो होमोलोगस सीरीज क्या है, एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारा कार्बन कंपाउंड कई सारा है, मिलियंस मिलियंस है। तो इनको स्टडी करने के लिए क्या है कि कुछ सिमिलर टाइप के जो कंपाउंड होते हैं कार्बन कंपाउंड, वो एक कैटेगरी में आते हैं, और इनका ना जनरल फार्मूला सेम होता है, सिमिलर। जैसे कि एल्केन्स में आप देखोगे मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है ना। तो एल्केन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, अगर इनका जनरल फार्मूला का हम बात करें तो इनका जनरल फार्मूला कॉमन होता है, वो होता है CnH2n-2। बोलोगे ये क्या ससुरा क्या है ये सर, ये क्या CnH2n लिख दिया सर आप, है ना। तो हाँ, तो ये जो CnH2n-2 कहने का मतलब है, अगर n नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है, अभी हम दिखाएंगे आपको, अगर n नंबर ऑफ कार्बन है तो हाइड्रोजन जो होगा उसका जो नंबर ऑफ एटम होगा वो 2n-2 होगा। मतलब अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 2 × 1, सॉरी यहाँ प्लस होगा बच्चों, क्या हो जाएगा, +2। दैट मीन्स कितना हो गया, देखो बच्चों ये CH4 हो गया, देखो ध्यान से C और यहाँ 2+4, तो CH4 हो जा रहा है बच्चों, बात समझ में आया। ऐसे देखो C2H6 में भी आप देखो ध्यान से, अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 2 × 2+2, दैट मीन्स कितना, C2H4+2, मतलब C2H6। दैट देखो, मतलब समझ में क्या आ रहा है कि सारे के सारे जितने मैंने लिखे यहाँ पे एल्केन्स के, एल्केन्स में जितने भी मेंबर हो जाएं सारे के सारे, इन सब के क्या होंगे, जनरल फॉर्मूला सेम होंगे। बात समझ में आ रहा है बच्चों, है कि नहीं। और एक चीज़ आप देखोगे बच्चों यहाँ पे कि सारे के सारे में, और एक चीज़ कॉमन में आपको दिखाना चाहता हूँ कि CH4, CH2, CH4, CH4, C2H6, C3H8, C4H8 और C5H12, यहाँ पे मैंने 5 लिया, लेकिन एल्केन्स तो बहुत सारे हो सकते हैं पॉसिबल, अगर 6 कार्बन होंगे तो C6H, है ना, H14 ऐसे करके। तो एक चीज़ कॉमन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, ये है कि हर एक मेंबर के बाद जो नेक्स्ट मेंबर आता है उसमें एक कार्बन और दो हाइड्रोजन बढ़ जाता है। देखो पहले कार्बन 1 था, यहाँ कार्बन 2 हो गया, पहले कार्बन 4 था, यहाँ पे कार्बन 6 हो गया, यहाँ पे भी देखो एक कार्बन और बढ़ जाएगा और एक दो हाइड्रोजन बढ़ जाएगा। देखो पहले कार्बन 2 था, यहाँ 3 हो गया और हाइड्रोजन 6 था, 2 हो गया। देखो हर एक के बाद सक्सेसिव वाला जो मेंबर होगा, आने वाला जो मेंबर होगा, CH2 का डिफरेंस है, क्या है, डिफरेंस CH2 का है, मतलब CH2 ऐड होते जा रहा है। अगर आपने AP पढ़ा होगा ना तो क्या कॉमन डिफरेंस ऐड होते जाता है ना। ऐसे इस सीरीज में क्या है कि होमोलोगस सीरीज में क्या है कि सिंपल सा बात यह है कि CH2 ऐड होते जाता है, आने वाले मेंबर में CH2 ऐड होते जाता है और नया मेंबर आते जाता है। ठीक है, सब बिहारी है लाइव में, प्रणय कुमार झा, ओके अमरीका, ओके सलाम वालेकुम सर, ओके सलाम वालेकुम। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज बच्चों, तो देखते हैं होमोलोगस सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चों, व्यूज और ये बढ़ना चाहिए और आप लोग एकदम कनेक्टेड रहिए, मैं अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। देखो मैंने क्या कहा था कि सेम जनरल फार्मूला से पहचाने जा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया था CnH2n+2 जो है हमारा एल्केन्स का जनरल फार्मूला है, करेक्ट। अच्छा, और ये सारे के जनरल फार्मूला सेम है। और संगीता सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग संगीता। एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस सीरीज डिफर बाय, ये देखो मैंने अभी भी बताया कि एक कार्बन और दो हाइड्रोजन से डिफर होता है। थर्ड क्या है आपका होमोलोगस सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक, द डिफरेंस इन मॉलिकुलर मासेस ऑफ एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस इज 14 यूनिट। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर CH4 से CH2H6 में
मास का कितना का डिफरेंस है बच्चों, 14 यूनिट का, कितना 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस है। ठीक है, मतलब CH4 से C2H6 14U भारी होगा, फिर C2H6 C3H6 से 14U का भारी होगा, मतलब हर एक नेक्स्ट मेंबर 14U ज़्यादा भारी होगा। ओके, ऑल कंपाउंड ऑफ अ होमोलोगस सीरीज, सीरीज का स्पेलिंग गलत है बच्चों, ठीक है ये आप इग्नोर कीजिए, ये जो बनाते हैं वो भी बहुत जल्दी में बनाते हैं आज, और बहुत प्रेशर में बनाया उन्होंने, तो हो सकता है कि थोड़ा मिस्टेक इधर से निकल जाए, कोई नहीं हम जानते हैं, हम ठीक कर लेंगे। ठीक है, अब खासियत क्या है होमोलोगस सीरीज का, कि ये सारे मेंबर का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, दैट मीन्स क्या, जैसे कि एल्केन के सारे मेंबर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एल्केन के सारे मेंबर दिख रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सबका सेम होगा बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज शो अ ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाता है, तो जो होमोलोगस सीरीज में जितने भी ये मेंबर होते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि ये एल्केन का होमोलोगस सीरीज है, ठीक है, क्या होता है इसमें, इनका मॉलिक्यूलर मास जितना बढ़ते जाता है, उनका फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आते जाता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस आते जाता है। ओके बच्चों, आगे बढ़ें, CWS आर्मी को बढ़ाना है बच्चों, ये आप लोग के हाथ में है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूँ अच्छा से, मैं आपका अच्छा मार्क्स लाने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन इस CWS आर्मी को, CBSE वाले सर आर्मी को बढ़ाने का जिम्मेदारी आपका है, ये जिम्मेदारी आपका है, ठीक है, आप कितना बड़ा बनेंगे ये आपके हाथ में। ओके, आते हैं होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स का भी आपको मैंने जब पढ़ाया था कल के वीडियो में, जिस जिसने कल का वीडियो देखा वो जानता है कि एल्कीन्स का भी फर्स्ट मेंबर इथीन, सेकंड मेंबर है ना प्रोपीन, ऐसे करके बढ़ते जाएगा मेंबर, है ना, मैंने सिर्फ 5 मेंबर लिखे हैं, सारा लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज़ है देखो यहाँ पे भी सिंपल सा कहानी वही है कि देखो ध्यान से देखोगे तो इससे और इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है, एक कार्बन का दो हाइड्रोजन का, देखो एक कार्बन बढ़ गया दो हाइड्रोजन बढ़ गया, जैसे इससे इसमें क्या फर्क दिख रहा है, एक कार्बन का दो हाइड्रोजन का, दैट मीन्स जो सक्सेसिव मेंबर होगा होमोलोगस सीरीज का, एल्किन्स में भी एक कार्बन और दो हाइड्रोजन से डिफर करेगा, डिफर मतलब डिफरेंस होगा एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का, देखो क्लियरली दिख रहा है, हर एक सक्सेसिव सीरीज में आपको एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस दिखेगा, है कि नहीं, और स्ट्रक्चर तो आपको मैंने कल बनाना सिखाया ही है ना। अच्छा, इसका जनरल फार्मूला का बात करें तो जनरल फार्मूला क्या होता है इसका, इसका जनरल फार्मूला हो जाता है बच्चों CnH2n, दिखाएं कंपेयर करके देखो, यहाँ पे देखो कार्बन दो है तो H क्या है, दो का डबल है चार है, C2H4, देख लो इसका भी देख लो बच्चों, कार्बन जब तीन है तो जब N तीन है तो हाइड्रोजन कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, देखो C3H6 फार्मूला बन के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये जो जनरल फार्मूला है, ये जो जनरल फार्मूला है इससे मॉलिक्यूलर फार्मूला बन के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हर एक मेंबर का अपना अपना, तो ये जनरल फार्मूला कॉमन फार्मूला, जैसे मैथ में आपका जनरल इक्वेशन होता है वैसे ही यहाँ पे जनरल फार्मूला है। ठीक है, भाग, अच्छा B:2 सर आ गया मैं, अच्छा ठीक है सर, मैंने आपका चैनल का लिंक पुलिस को दे दिया है, वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं यार, पुलिस मेरा लिंक क्या एंजॉय करेंगे, उनको वो पढ़ते हैं क्या। चलो तो आगे देखो, है ना, यहाँ पे देखो जनरल फार्मूला, इसका भी आपको समझ में आ गया एल्किन्स का। ठीक है बच्चों, तो एल्किन्स में अगर आपने देख लिया होगा तो जैसे जो जनरल फार्मूला भी आपने देख लिया, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग एल्काइन्स में। ठीक है, एल्काइन्स में देखो, एल्काइन्स का जो होमोलोगस सीरीज होता है, यहाँ पे भी देखिए आप सिंपल से जो दिखेगा आपको क्या दिखेगा, आप लोग मेरा वीडियो में ध्यान दीजिएगा, आपस में आप कमेंट करने से अच्छा सिर्फ काम का कमेंट कीजिए। ठीक है, फालतू कमेंट मत कर, मेरा नाम मत खराब कर। ओके, भीन टट्टा पार्ट टू, आप दोनों आपस में झगड़ो मत, मेरा पढ़ाई में ध्यान दो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि देखो इसमें भी आपको दिखेगा, देखो C2H2 के बाद C3H4 आ रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, देखो एक कार्बन बढ़ रहा है और दो हाइड्रोजन बढ़ जा रहा है। फिर यहाँ से यहाँ पे भी क्या हो रहा है, देखो एक कार्बन बढ़ जा रहा है, दो हाइड्रोजन बढ़ जा रहा है, यहाँ से भी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कार्बन बढ़ रहा है, दो हाइड्रोजन बढ़ जा रहा है, दैट मीन्स क्या कि होमोलोगस सीरीज जो है इसके भी जितने सारे मेंबर्स आएंगे अलग अलग, ये सारे अलग अलग हाइड्रोकार्बन हैं, लेकिन इनमें कॉमन क्या है कि इनमें भी वही चीज़ हो रहा है कि CH2 का डिफरेंस है। अच्छा, एल्काइन का जो आपका जनरल फार्मूला है वो जनरल फार्मूला में लिख देता हूँ यहाँ पे CnH2n-2 बच्चों, CnH2n-2। ठीक है, दैट मीन्स देखो मैं कंपेयर करके दिखा दे रहा हूँ, देखो जब N2 है दैट मीन्स कार्बन दो हाइड्रोजन भी दो, है ना, इनटू दो माइनस दो कितना आ जाएगा, देखो
सी टू एच फोर माइनस टू, दैट मीन्स सी टू एच टू ही तो आ रहा है। नेक्स्ट प्रोपाइन में देखो, प्रोपाइन के भी हम देख लेते, तीन कार्बन, जब कार्बन तीन होगा तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, टू इंटू थ्री माइनस टू, है ना, इस जनरल फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग जा रहे हैं। तो सी थ्री एच सिक्स माइनस टू, दैट मीन्स सी थ्री एच फोर, देख लो बच्चो। ठीक है सत्यम कुमार सर, क्लास टेन में आइसोमर किन का बनाने आएगा? बच्चों ब्यूटेन का पढ़ लो और पेंटेन का पढ़ लो, ठीक है काफ़ी है, इससे ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगर आइसोमर आएगा तो इन दोनों में से आएगा, ठीक है। ब्यूटेन के दो आइसोमर होते हैं, कल मैंने पढ़ाया एन ब्यूटेन एंड आइसो ब्यूटेन। पेंटेन का भी आपने पढ़ा होगा, एन पेंटेन, आइसो पेंटेन एंड न्यू पेंटेन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इधर पे देखो, अब मैं बताता हूँ आपको तीनों याद कैसे रखना है। तो सिंपल सा तरीका है, देखो जब एल्केन का आएगा, एल्केन, एल्केन का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा सी एन एच टू एन प्लस टू। अब जब एल्कीन का बारी आएगा, एल्कीन, तब क्या होगा, सी एन क्या हो जाएगा, एच टू एन खाली, देखो दो हाइड्रोजन कम कर दिया, दो दो हाइड्रोजन कम करते जाओ बस। और एल्काइन का कैसे याद रहेगा, एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा सी एन एच टू एन में से और दो कम कर दो। हम क्या कर रहे हैं, दो दो हाइड्रोजन कम करते जा रहे हैं, माइनस टू करते जा रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ मैंने माइनस टू किया तो यह आ गया, जब यहाँ माइनस टू किया, क्या माइनस टू किया, हाइड्रोजन माइनस टू किया, ठीक है, तो ये आ गया। दैट मीन्स याद रखने का यही तरीका है कि सी एन एच टू एन प्लस टू एल्केन का अगर है तो दो हाइड्रोजन कम कर देंगे तो एल्कीन का सी एन एच टू एन, इसमें से और दो माइनस करेंगे तो ये एल्काइन का हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप, कल मैंने बताया था हेलोजन ग्रुप के बारे में, शायद से आपको नहीं भी अगर बताया हो तो देख लीजिए। हेलोजन ग्रुप क्या होता है, आपका पीरियडिक टेबल में आपका ये 17 नंबर ग्रुप में रहता है, अगर है तो देख लो आपके सामने, ठीक है। ये क्या होता है, हेलोजन ग्रुप जो होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि हमेशा हम लोग किसी भी एल्केन का अगर हम लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर हेलोजन हम लोग उसमें लगा दें, ठीक है, जैसे एक देखो कोई भी सोचो, ऐसे सोचो, मैंने ये सी एच फोर है मेरे पास, सी एच फोर है, अगर सी एच फोर में मैंने किया कि मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, क्यों, ये हेलोजन ग्रुप क्या होते हैं, इनमें ये खासियत है कि ये हाइड्रोजन को आराम से रिप्लेस कर देते हैं। सपोज मैंने क्लोरीन लिया और क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया मिथेन का, तो क्लोरीन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा, देखो इसको हम नाम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन है इसलिए आगे लिखते हैं, ठीक है। हेलोजन ग्रुप ऐसा है जो हमेशा आगे लिखते हैं, क्लोरो, और ये क्या मीथेन से आया था इसलिए क्लोरोमीथेन, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन, इस तरह से, ठीक है, ओके। तो हेलो जो है वो हेलोजन का शॉर्ट नाम है, इसलिए हेलो ग्रुप लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब आते हैं एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप जो है, ठीक है, यहाँ पे देखो आपको एक ओ एच दिख रहा है, दैट मीन्स क्या, कभी भी हम सोचो यहीं पे लिख लेते हैं, सोचो ये एक मीथेन है, आपको जस्ट सारा स्ट्रक्चर में दिखाएंगे, अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन का जगह ओ एच आ गया, अगर कहीं आपको ओ एच दिख जाता है इस तरह से किसी भी चेन में, कहीं भी कोई भी कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर में लास्ट में अगर ओ एच दिख गया इस तरह से, ठीक है, लास्ट में अगर OH दिख गया, दैट मीन्स ये एल्कोहल ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, कैसे पहचानेंगे, OH देख के, OH एक साथ में दिखेगा बच्चों, ठीक है। वंदना उपाध्याय, हाय एवरीवन, ओके वंदना उपाध्याय, एंजॉय द क्लास। कभी भी आपको लास्ट में OH ग्रुप अगर दिख जाता है, देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, जस्ट एक हाइड्रोजन का रिप्लेस करके क्या हो गया, यहाँ पे OH आ गया, ठीक है। तो कभी भी OH दिखता है तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो ये एक्चुअली हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसलिए कहते हैं क्योंकि OH जो है, इस कारण से हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, क्योंकि OH का आयन है हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। अच्छा तो इसको हम लोग नाम क्या देंगे, देखो मीथेन था, अब तो ये मीथेन नहीं रहा है ना, यहाँ पे OH आ गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे मीथेन से ही तो आया, इसलिए मीथेन का MeTH एन तक, और लास्ट में OL कहाँ से आया, एल्कोहल का OL से आया, ठीक है। इस तरह से इसका नाम लिखेंगे, अभी हम लोग जब इसका होमोलोगस सीरीज पढ़ेंगे सारा, तो एक एक करके हम, फिलहाल मैं तुमको खाली पहचानना सिखा रहा हूँ कि हेलो ग्रुप कैसे पहचानेंगे, उसके बाद एल्कोहल ग्रुप कैसे पहचानेंगे, ये सारा हम दिखा रहे हैं, ठीक है।
आगे एल्डिहाइड ग्रुप, हाँ रीना चौधरी। अरे यार आप लोग कमेंट में इतना बात कर रहे हो, पढ़ रहे हो कि नहीं आप लोग बताओ। आप लोग लाइक्स बढ़ाओ, सब्सक्राइबर बढ़ाओ आप लोग। यार क्या है यार, लाइक्स ओनली 17। ओके कौन से स्कूल से हो? ओके नेक्स्ट देखते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। बच्चों पढ़ने में ध्यान दे दो यार, आप लोग का बोर्ड एग्जाम सामने आ रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है क्या कर रहा है इसमें इतना कुछ रखा नहीं है। आप लोग का बोर्ड एग्जाम आ रहा है इसके लिए देखो हम लोग डेली लाइव क्लास कर रहे हैं, डेली 2 घंटा 3 घंटा करके लाइव क्लास हम लोग कर रहे हैं, तो इसका यूटिलाइज करो, इस क्लास का इस्तेमाल करो बच्चों, इसको वेस्ट मत जाने दो। ठीक है बच्चों, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप कब कब कैसे पहचानेंगे? कभी भी किसी भी कार्बन कंपाउंड में अगर लास्ट में CHO दिख गया, कभी कभी स्ट्रक्चर में अगर आपको देखना है तो आपको ऐसे दिखेगा, या कभी कभी आपको ऐसे दिख जाएगा H ऊपर और O नीचे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये कभी भी लास्ट में आपको दिख जाए ठीक है, किसी भी कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर में, तो आपको पहचान जाना है कि ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है तो देखो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है तो एग्जांपल में सोचो, एक मैंने ऐसे स्ट्रक्चर बनाया, तो देखो मुझको यहाँ पे CHO दिख रहा है, और अगर मुझको CHO दिख रहा है बच्चों दैट मीन्स ये एल्डिहाइड ग्रुप का है, और यहाँ पे कार्बन एक है तो मैं क्या लिखूंगा, मीथ है ना, और मीथेन और लास्ट में AL, क्यों एल्डिहाइड ग्रुप का AL जो होता है वो इस AL से आता है, हम लोग इस तरह से मिथानल लिख देंगे। तो इसके सारे मेंबर का नोमेनक्लेचर हम आगे आके डिस्कस करेंगे, मैं जस्ट आपको पहचानना सिखा रहा हूँ अभी, इसलिए एक एक मैं इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ एक एक मेंबर का कि हाँ इस तरह से पहचानेंगे, लास्ट में अगर दिख जाएगा तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है। जैसे मैंने क्या बताया, हेलो, अगर हेलो ग्रुप पहचाना तो लास्ट में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी दिख सकता है आपको, हेलोजन ग्रुप का जो एलिमेंट है वो दिख जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्लोरीन है, एल्कोहल में क्या है लास्ट में OH दिख जाएगा, तो ऐसे एल्डिहाइड में क्या है लास्ट में CHO दिख जाएगा, तो क्या CHO, इसको हम लोग कंडेंस फॉर्मूला में ऐसे भी लिख सकते हैं HCHO। ठीक है और इसको हम लोग बोलते हैं मिथानल। अच्छा कीटोन ग्रुप में आते हैं बच्चों, कीटोन ग्रुप क्या होता है कि आपको कभी भी कोई भी एल्काइल ग्रुप के बीच में, दो एल्काइल ग्रुप के बीच में ऐसा अगर आपको दिख जाए बीच में, ये बीच में दिखता है कीटोन ग्रुप, हमेशा आपको बीच में दिखेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है तो एक मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको कीटोन ग्रुप का। एक मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ कीटोन ग्रुप का। कीटोन ग्रुप देखो, कीटोन ग्रुप के लाना एक चीज याद रखना, 3 कार्बन मिनिमम होना चाहिए, 3 कार्बन, 3 कार्बन एटम वाला, 3 कार्बन वाला कम से कम कंपाउंड होना चाहिए, 3 कार्बन कंपाउंड होना ही चाहिए, वो जो कंपाउंड होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड उस पर कम से कम 3 कार्बन होना चाहिए। ठीक है 3 कार्बन से कम में नहीं हो पाएगा कीटोन, क्योंकि कीटोन जो ग्रुप होता है वो एकदम बीच में होता है। ठीक है मतलब कैसे बीच में होता है मैं बताता हूँ, देखो इस तरफ भी एल्काइल ग्रुप है, कल मैंने आपको एल्काइल ग्रुप बताया था है ना, कि अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो एल्काइल ग्रुप बनता है। ठीक है फेल होने के बाद से मैम वो पढ़ने लगा है। ओके कौन मैम यार, ओके चलो तो देखो यहाँ पे भी मिथाइल है, लेफ्ट साइड में भी मिथाइल है, राइट साइड में भी मिथाइल है, कल मैंने बताया था आपको एल्काइल के बारे में, अगर जिसने नहीं देखा है पहला वीडियो वो देखेगा, एकदम क्लियर समझ में आएगा। ठीक है तो देखो बीच में क्या दिख रहा है, सी डबल बॉन्ड कुछ ऐसा दिख रहा है देखो। ठीक है तो ऐसा कभी दिख जाएगा, ठीक है जरूरी नहीं आपको एकदम इधर, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा हो जाए CH3CH2 और यहाँ सी डबल बॉन्ड हो और इधर पे CH3, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है तो मतलब दाया तरफ में भी एल्काइल ग्रुप और राइट साइड में भी एल्काइल ग्रुप, इधर भी एल्काइल ग्रुप और इधर भी एल्काइल ग्रुप। ठीक है दोनों तरफ दिखा एल्काइल ग्रुप, और बीच में अगर आपको ऐसा दिख रहा है सी के साथ डबल बॉन्ड हो दैट मीन्स ये क्या है, ये कीटोन ग्रुप है। और इसका नाम क्या लिखेंगे पता है, इसका दोनों का नाम, इसका नाम जो है 1 2 3 कार्बन है, इसलिए 3 के लिए क्या लिखते हैं प्रोप, प्रो पेन का PROPAN तक लिख लेंगे और लास्ट में लिख देंगे 1 प्रोपेनोन। ठीक है 1 कहाँ से आया, कीटोन का, ये लास्ट का 1 से आया, तो इसका नाम जो होगा वो प्रोपानोन होगा। ठीक है IUPAC नेम, ठीक है इसका कॉमन नेम भी होता है, इसका कॉमन नेम आपका, ठीक है हम आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, प्रोपानोन ब्यूटानोन ये सारे होते हैं। ठीक है
और इसलिए ये कीटोन ग्रुप में इस तरह से पहचानेंगे। पहचानना सिखा रहा हूँ मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को भी पहचानना है। तो आपको लास्ट में कैसा दिखेगा बच्चों, ऐसा कुछ दिखेगा कि सी डबल बॉन्ड ओ फिर ओ एच। अभी देखो आप बोलोगे सर सी डबल बॉन्ड हो तो कीटोन में भी था, करेक्ट है, लेकिन कीटोन में मैंने आपको क्या बताया कि कीटोन में लेफ्ट साइड भी एल्काइल ग्रुप, राइट साइड भी एल्काइल ग्रुप, और बीच में सी डबल बॉन्ड हो कहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये आपको एकदम लास्ट में दिखेगा और सिर्फ सी डबल बॉन्ड ओ नहीं दिखेगा, ओ एच भी दिखेगा। अब बोलोगे सर ओ एच तो एल्कोहल का भी है, लेकिन एल्कोहल में तो सी डबल बॉन्ड ओ नहीं दिखेगा ना आपको। देखो यहाँ क्या सी डबल बॉन्ड ओ दिख रहा था मिथानॉल में, नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच एक साथ है, दैट मीन्स ये सी ओ ओ एच है, ठीक है। ये क्या है सी डबल सी ओ ओ एच। तो एक जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक ये पहला मेंबर है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये होता है सिर्फ एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं बच्चों मिथ, तो एम ई टी एच मिथ लिख लिया मैंने, ठीक है। और मीथेन का मीथेन एम ई टी एच, क्योंकि देखो एक कार्बन है तो इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन जो होगा एल्केन, पेरेंट एल्केन जो होगा वो मीथेन होगा, तो मीथेन का एम ई टी एच एन लिख लिया मैंने। और लास्ट में क्या लगा देंगे ओ आई सी, ओ आई सी ओइक एसिड, ये याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड में ये चीज़ होता है, ठीक है। तो पहचानना ऐसे है कि लास्ट में आपको सी डबल ओ एस दिख जाएगा, ठीक है ना। और भी आप दिखाएंगे आपको सारा एक एक करके। मतलब तो एल्कीन में कल आपको पढ़ा चुका हूँ, देख लीजिएगा पहले वाला पार्ट में, है ना, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन में आपको पढ़ा चुका हूँ, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। आते हैं हेलो एल्केन्स में बच्चों, क्या में हेलो एल्केन्स में, ठीक है। सारे बच्चों अच्छे से देखो, आप कमेंट में बात ज़्यादा कर रहे हो लगता है, पढ़ाई कम कर रहे हो, पढ़ाई में ध्यान दो बच्चों, ठीक है। बोल रहा है कि कभी भी व्हेन वन हाइड्रोजन एटम, मैंने अभी बताया था, ऑफ एन एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय ए हेलोजन एटम। हेलोजन एटम मतलब कोई भी, हेलोजन में क्या होगा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सारे हेलोजन है, ठीक है, फ्लोरीन है ना, ये सारे हेलोजन ग्रुप है, ठीक है। 17 नंबर ग्रुप मैंने आपको बताया था पीरियडिक टेबल का। तो कभी भी हम लोग अगर हाइड्रोजन एटम को अगर रिप्लेस कर देंगे किसी भी एल्केन का, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है हेलोजन, हेलो एल्केन ग्रुप बन जाता है। तो कुछ हम लोग हेलो एल्केन का हम लोग होमोलोगस सीरीज डिस्कस करेंगे, दैट मीन्स इसके सारे जितने भी हमारे पॉसिबिलिटी हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, पहले सी एच थ्री का हम लोग सी एच फोर का देखेंगे। कभी भी सी एच फोर है सोचो इस तरह से, ठीक है, इसको रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे एक हाइड्रोजन को, रिप्लेस कर देंगे वन एच बाई क्लोरीन, तो ये क्या बन जाएगा सी एच थ्री, और एक हाइड्रोजन को तो रिप्लेस कर दिया किसने क्लोरीन ने, कुछ ऐसा बन जाएगा ना। और इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरो मीथेन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे क्लोरो मीथेन, ठीक है। सर होमोलोगस सीरीज बताइए, मैंने अभी अभी होमोलोगस सीरीज बताया था वंदना उपाध्याय, ठीक है। SBI क्रेडिट कार्ड, सर SBI क्रेडिट कार्ड ले लो और 70% ऑफ ऑन फर्स्ट कार्ड पेमेंट, वेरी गुड SBI क्रेडिट कार्ड, बहुत ही अच्छे, ऐसे ऑफर तो मुझे डेली आते रहते हैं फ़ोन में, ठीक है। तो आप अगर स्टूडेंट हो तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप पढ़ लो, है ना, और अगर स्टूडेंट नहीं हो तो प्लीज़ आप चले जाओ, डिस्टर्ब मत करो मेरे बच्चों को, मेरे बच्चों को इस बार कोई रोक नहीं सकता अच्छा मार्क्स लाने से। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ो, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड लाइव क्लास में आके आप प्रमोट मत करो, ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपको। चलो तो नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है। तो नेमिंग देखो इसमें देखो और भी बाकी पॉसिबिलिटीज है ना हेलो एल्केन्स में, ये तो मैंने एक दिखाया, ठीक है। अगर कार्बन दो होगा तो क्या हो सकता है, तीन होगा तो क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखो ये तो एक क्लोरोमीथेन है, इसी तरह से अगर मैं ये होगा ऐसा, तो इसका अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा सी टू एच सिक्स, और ये रिप्लेस कौन कर देगा क्लोरीन से, तो ये क्या बन जाएगा सी टू एच फाइव सी एल, नहीं बन जाएगा। अच्छा इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा सी एच थ्री सी एल, अच्छा इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा सी टू एच फाइव, सी टू एच फाइव मैंने बना लिया बच्चों इस तरह से देख लो, है ना, सी टू एच फाइव मैंने बना लिया और सी एल। तो देखो एक हाइड्रोजन को ये क्या कर देता है रिप्लेस कर देता है, ठीक है। पहले ये कैसा था आपको पता होगा, ऐसा होता है,
यहाँ पे एच था, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, जहाँ जहाँ मैंने नहीं भरा ये सारा जगह में एच है। ठीक है, भर ही देता हूँ। ठीक है, पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया। क्लियर है? तो ऐसे क्लोरोमीथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोइथेन। तो इसका पूरा हेलो एल्गेंस का अगर होमोलोगस सीरीज लिखना चाहूँ मैं, होमोलोगस सीरीज, ठीक है, ऑफ हेलो एल्केन, तो क्या क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा क्लोरो इथेन, क्लोरोमीथेन, पहला हो जाएगा क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, दूसरा क्या हो जाएगा? क्लोरोइथेन, ऐसे आगे वाला क्या हो जाएगा? ऐसे क्लोरो क्या हो जाएगा नेक्स्ट वाला? प्रोपेन, है ना? आप लोग एक काम करना, क्लोरो प्रोपेन का स्ट्रक्चर बना के दिखाना मेरे को। इसी तरह से और भी हो जाएंगे, है ना? और क्या हो जाएंगे? क्लोरो ब्यूटेन, ऐसे करके ये खत्म होने वाला है नहीं, क्लोरो पेंटेन, है ना? अब एक डाउट आपको आ सकता है, ठीक है, यहाँ सारा देखो मैंने दिखा दिया है। देखो अभी भी मैंने जो सारा लिखा है इनका स्ट्रक्चर में यहाँ भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ सारा नहीं बता रहा हूँ, इन सारे का स्ट्रक्चर मैं पीछे बताने वाला हूँ। अच्छा सर, ठीक है, चलता हूँ, सपनों में याद रहा। अरे भैया, आप लोग इतना फ़ोन करते हो SBI क्रेडिट वाले कि सपना में क्या बुरा सपना आता है आप लोग का। ठीक है, तो मैं एक एक करके स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। देखो, तो CH3Cl का मैंने अभी भी आपको दिखा दिया कैसा होता है ना? इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। इसका नाम क्या लिखेंगे? क्लोरो मीथेन, है ना? है कि नहीं? अच्छा, क्लोरोमीथेन का ये IUPAC नेम है क्या? ये IUPAC नेम है, मैंने नोमेनक्लेचर कल सिखाया था उसी तरह से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, कॉमन नेम क्या होता है इसका? इथाइल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम भी पूछ लेता है कभी कभी, घर का नाम। देखो कॉमन नेम क्या होता है? घर का नाम। इसको क्या बोलेंगे? इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा बच्चों? इसका कॉमन नेम आपका हो जाएगा इथाइल, ETHYL, इथाइल क्लोराइड। ठीक है, इथाइल क्लोराइड। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट वाला में। सारा का नेमिंग देखो, जितना होमोलोगस सीरीज मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, सारा हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्लोरोमीथेन हो गया, क्लोरोइथेन का देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा बच्चों? C2 है ना, H5, दैट मीन्स 1 2 3 4 5, 5H लगा दो, 5H बच्चों इधर, है ना, और एक Cl, ये हो गया क्लोरो। ये क्या हो जाएगा? देखो इसको लिखेंगे क्या? दो कार्बन है। अच्छा, एक क्लोरीन लग रहा है, हाइड्रोजन का जगह में एक क्लोरीन आ गया, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? क्लोरो। उसके बाद क्या करेंगे? ये कहाँ से आया था? दो कार्बन है तो ये इथेन से आया होगा, तो क्लोरो इथेन। बड़ा आसान है ये, इसका IUPAC नेम है बच्चों। अच्छा, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इसका कॉमन नेम बोलते बात करते हैं, किसी को आता है तो कमेंट कर दो कॉमन नेम। कॉमन नेम इसका हो जाएगा बच्चों, कोई बता पाएगा कॉमन नेम? इसका पहला वाला मिथाइल क्लोराइड था, मैंने इथाइल क्लोराइड, बच्चों इसका मिथाइल क्लोराइड होगा, मिथाइल क्लोराइड। ये जो CH3Cl का कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड, और इसका होगा इथाइल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। ठीक है, ओके। अच्छा, C3H7 का करते हैं, 1 2 3, तीन कार्बन, 1 2 3 4 5 7 हाइड्रोजन लगा देते हैं पहले, तीन कार्बन और 7 हाइड्रोजन लगा देते हैं पहले बच्चों, और लास्ट में हम क्या लगा देने वाले हैं? एक क्लोरीन। अच्छा, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा बच्चों? देखो क्लोरीन लग रहा है यहाँ पे, एक एक फंक्शनल ग्रुप लग रहा है क्लोरीन, हेलो हेलो ग्रुप लग रहा है, इसलिए क्या करेंगे? क्लोरो आगे लिखेंगे। उसके बाद तीन कार्बन है तो इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या होगा? पेरेंट एल्केन प्रोपेन होगा, तो इसलिए क्लोरो प्रोपेन, सीधा सीधा। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा बच्चों? किसी को पता है तो कमेंट कर दो, ऐसा कॉमन नेम किसी को पता होगा तो कॉमन नेम बता दो। ठीक है, ऐसा कॉमन नेम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, ओके। तो होप करता सबको आ रहा है बच्चों ये। हाँ, बिना इथानॉल, अरे भैया इथानॉल में तो हम गए नहीं अभी, तो क्लोरीन है लास्ट में बच्चे। भीन, आप बात ज़्यादा करते हो इसीलिए ऐसा हो रहा है। भीन, आप क्लास में ध्यान दो बीन टट्टा। ठीक है, तू मन मेरी जा, अरे बीन टट्टा थोड़ा पढ़ ले, मैं तुझको बोर्ड में पास करा के रहूंगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो
यहाँ पे और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, कॉमन नेम याद करने का तरीका। देखो आईयूपीएससी नेम तो आप आराम से लिख दोगे, मैंने कल सिखाया था, लेकिन कॉमन नेम कैसे याद करोगे, देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है। देखो इधर इस तरफ में ये CH3 है, दैट मीन्स ये मिथाइल है, और यहाँ क्या है क्लोरीन मतलब क्लोराइड, तो मिथाइल क्लोराइड। इसी तरह यहाँ देखो इस तरफ में क्या लग रहा है, C2H5, दैट मीन्स ये क्या है इथाइल, तो इसके लिए इथाइल लिख दिया, और क्लोरीन के लिए क्लोराइड। देखो आराम से याद कर सकते हो, इसके लिए क्या लिख देंगे, देखो C3H7 है, दैट मीन्स मीथेन प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन कम, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है ये प्रोपाइल मेरे पास है, क्योंकि C3H7 इज प्रोपाइल, C3H8 अगर प्रोपेन होता है तो एक हाइड्रोजन कम होगा, तो ये क्या हो जाएगा प्रोपाइल हो जाएगा। मैंने कल बताया था एल्काइल ग्रुप, बच्चों कल का लाइव क्लास जरूर देखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एल्कोहल में, ठीक है। अच्छा ये 3 थोड़ा छोटा होना चाहिए था, ये 3 बड़ा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, इसमें इग्नोर करो बच्चों, मैं तो लिखूंगा ही, ठीक है। ये जो 3 है ये थोड़ा छोटा होना चाहिए था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर CH3OH, C2H5OH, ये हो जाएगा C3H7OH, ये हो जाएगा C4H9OH। ओके बच्चों, लाइक सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो को रिकमेंड जरूर करो बच्चों, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप लोग एक एक चीज़ बढ़िया से सीख सको, मेरे यहाँ पे आके आप लोग को हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर समझ में आए। लेकिन जो बच्चों आप लोग आपस में ये फालतू बात करते हो ना, इससे आपको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। फालतू बातों से अच्छा मेरा क्लास को समझो, कुछ समझ में नहीं आया तो वहाँ कमेंट करो, है ना। और अगर किसी को कोई आता है तो फटाफट कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मेरे को ये आता है, मैं आपसे मेरे से पहले भी आप कमेंट करने की कोशिश करो, मैं अगर कोई स्ट्रक्चर बना रहा तो। आते एल्कोहल ग्रुप, मैंने आपको बताया था एल्कोहल ग्रुप में क्या करते हैं हम लोग। देखो बच्चों यहाँ पे रहा एल्कोहल ग्रुप, हम देखते हैं लास्ट में OH है कि नहीं है, राइट। तो एल्कोहल ग्रुप को मैं, ये देखो मैं शुरू करता हूँ पढ़ाना। तो कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप को हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं, क्योंकि OH रहता है लास्ट में, OH, ठीक है, सारा OH का खेल है। अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड का साथ में अगर लास्ट में OH लगा हुआ है तो वो एल्कोहल ग्रुप है। देखिए जैसे कि यहाँ CH3OH है ना, तो CH3OH एक एग्जांपल हो जा रहा है एल्कोहल ग्रुप का। ये सारे मैंने होमोलोगस सीरीज लिख दिया है इनके, ठीक है। एल्कोहल ग्रुप का ये सारा होमोलोगस सीरीज है, क्या है ये होमोलोगस सीरीज है, पूरा पूरा नहीं है ये, तो कंटिन्यू ख़त्म नहीं होता। अगर मैं ऐसा लिखूँ तो मैं तो पेंटानोल भी लिख सकता हूँ, पेंटानोल क्या हो जाएगा C5H11OH, ठीक है। तो ये तो ख़त्म नहीं होता, मैं तो बहुत सारा लिख सकता हूँ। तो होमोलोगस सीरीज में जस्ट कुछ मैंने लिख लिया शुरू के मेंबर्स मैंने, ठीक है। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे और सारा का नाम वगैरह कैसे स्ट्रक्चर है। पहला वाला है नेमिंग ऑफ एल्कोहल्स में CH3OH का। CH3OH बच्चों ऐसा है, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा गलती इधर अगर है तो, ठीक है। ओके तो CH3OH का स्ट्रक्चर देखो यहाँ एकदम क्लियरली बना हुआ है, तो मेरे को मेहनत करना नहीं पड़ेगा। एक कार्बन, 3 हाइड्रोजन, और साथ में लास्ट में क्या लगा हुआ है OH लगा हुआ है। बच्चों देख लो लास्ट में क्या लगा हुआ है OH, इसी से हमको पहचानना है कि ये एल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। इसी से हमने पहचानना है कि ये एल्कोहल ग्रुप है। सॉरी सर डिस्टर्ब करने के लिए, अब मैनेजर बुला रहा है आके में, इसलिए इम्पोर्टेंट मैनेजर है। अरे यार क्लास में डिस्टर्ब क्यों करते हो आप, ठीक है। तो ये जो है आपका CH3OH है ना, CH3OH, इसका नाम क्या करेंगे, दिस इज द फर्स्ट मेंबर, और मैंने आपको बताया इसका नाम क्या है, मिथानॉल। कैसे, क्योंकि कार्बन एक है ना, मैंने कल आपको बताया था, अगर एक कार्बन होगा तो हम लोग क्या लिखते हैं, मिथ लिखते हैं, क्या लिखते हैं मिथ, तो लिखेंगे MeTH मिथ, है ना। ओके तो मिथेन से ये आया होगा ऑब्वियसली, एक कार्बन अगर होगा तो क्या होता है, मिथेन ही पॉसिबल होता है ना। एल्केन में तो मिथेन ही पॉसिबल है, ठीक है। एक कार्बन में तो इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या रहा होगा, मिथेन रहा होगा, एल्केन रहा होगा, एल्केन, तो एल्केन में से ये आया होगा, दैट मीन्स एल्केन ग्रुप में से ये आया होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे मिथेन। तो ये मिथेन का MeTH एन तक लिख लो, और लास्ट में क्या लगा लो, OL लगा लो, क्या लगा लो, OL, ये हो जाएगा मिथानॉल, इसका IUPAC नेम, ठीक है। मिथानॉल एल्कोहल का OL लगा लो लास्ट में, ओके। तो और इसका कॉमन नेम भी होता है बच्चों, इसका कॉमन नेम इसका क्या होता है बच्चों, एल्कोहल में पहला वाला जो है, इसका कॉमन नेम किसी को आता है तो बता दो, इसका कॉमन नेम क्या होगा,
इसका कॉमन नेम होगा मिथाइल एल्कोहल, अलग अलग लिखेंगे एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। देखो कैसे यहाँ पे आप, मैं आपको दिखाता हूँ मिथाइल एल्कोहल कैसे आया। देखो इस तरफ मिथाइल लगा हुआ है ना, देखो CH3 लगा हुआ है इसीलिए मिथाइल लिखा, और पीछे क्या है OH है, OH क्या है एल्कोहल ग्रुप से आया है ना, OH क्या एल्कोहल ग्रुप है तो इसलिए मिथाइल एल्कोहल लिखा। ठीक है आगे देखो C2H5OH, देखो ये C2H5OH है तो आप लोग वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक को इग्नोर कीजिएगा। ठीक है आगे देखते हैं, यहाँ पे तो C2H5OH का ये कंडेंस फार्मूला है, आपको पता होगा मैंने कल बताया था कि अगर ऐसे लिखें तो इसको बोलते हैं कंडेंस्ड फार्मूला, और ऐसे अगर लिखें तो इसको क्या बोलते हैं स्ट्रक्चुरल फार्मूला। ठीक है तो इसका देखो बच्चों क्या होता है नाम, ये देखो C2H5OH जो है ना इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या, देखो दो कार्बन पांच हाइड्रोजन देना और OH, दो कार्बन हो गया देखो C2 और पांच हाइड्रोजन, देखो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन और एक OH, तो मेरा बन गया स्ट्रक्चर C2H5OH, एक स्ट्रक्चर बन गया। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान से, इसका IUPAC नेम अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा IUPAC नेम इसका, देखो दो कार्बन तो इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या होगा बच्चों, इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन पेरेंट एल्केन क्या होगा ईथेन होगा, राइट। तो ईथेन का ETHAN तक लिख लेंगे और लास्ट में ये जो ओएल ओ हाइड्रो एल्कोहल ग्रुप होने के कारण से लास्ट में ओएल लगाएंगे तो ये हो जाएगा इथानॉल। अच्छा इसका कॉमन नेम भी होता है बच्चों, कॉमन नेम, तो कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा बच्चों इथाइल, किसको आता है बच्चों कमेंट कर दो जल्दी से, कमेंट कर दो इथाइल क्या होगा बच्चों जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। जैसे इसका क्या मैंने बताया था मिथाइल एल्कोहल, तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा इथाइल एल्कोहल। क्यों देखो मैं दिखा देता हूँ कैसे, आपको कॉमन नेम भी कैसे आया दिखा दे रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे क्या है दो कार्बन है और पांच हाइड्रोजन है, दैट मीन्स ये क्या है, ये तो इथाइल है ना, और इसके लिए एल्कोहल, ये तो एल्कोहल ग्रुप पहचाना जाता है, OH से हम क्या पहचानते हैं एल्कोहल, इसलिए इथाइल एल्कोहल कॉमन नेम है। ठीक है तो IUPAC नेम तो है ही है, साथ में कॉमन नेम भी आपको याद रखना होता है, कॉमन नेम भी कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है नेक्स्ट में आते हैं बच्चों C3H7OH, तो देखो मैं बार बार कह रहा हूँ इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है ये ऐसा होगा ओके। तो ये आपको पता है ये मॉलिकुलर फॉर्मूला, अगर इस तरह से लिखे तो कंडेंस्ड फॉर्मूला, और ये क्या है स्ट्रक्चुरल फॉर्मूला, राइट। अच्छा इसका IUPAC नेम लिखे कैसे लिखते हैं IUPAC नेम इसका बच्चों, मेरे से पहले आप लोग कमेंट कर दीजिए अगर पता होगा तो। IUPAC नेम तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं मिथ इथ प्रोप, दैट मीन्स प्रोपेन से यह होगा, इसका पेरेंट एल्केन क्या होगा, इसका पेरेंट एल्केन प्रोपेन होगा जरूर, कहां से आया होगा प्रोपेन से, इसका पेरेंट एल्केन है ना, तो प्रोपेन का PRO PAN तक यहाँ लिख लेंगे, PRO PAN तक यहाँ लिख लेंगे और लास्ट में क्या लगाएंगे OL, क्योंकि ये एल्कोहल ग्रुप है, लास्ट का OH देख के पता चल रही है एल्कोहल ग्रुप है बच्चों। ठीक है बच्चों चलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है कमेंट कर दो बच्चों, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट में आते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप में मैंने आपको बताया था कैसे पहचानेंगे आप लोग CHO देखेंगे लास्ट में, कैसे ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है ना बच्चों। तो अगर किसी को बच्चों को बोर लग रहा है तो बोलिएगा, बीच बीच में गाना भी सुना देंगे आपको, गाना भी हम सुनते रहेंगे, जोश भर देंगे गाना सुन सुन के बीच बीच में, है ना। आते हैं तो एल्डिहाइड जो होता है ये भी एक कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप अटैच रहता है, CHO अटैच रहता है लास्ट में। ठीक है तो एल्डिहाइड ग्रुप के कुछ होमोलोगस सीरीज मैंने लिख दिए हैं, होमोलोगस सीरीज मैंने इधर लिख दिया है। ठीक है तो अनुष्का यादव प्रोपानॉल एल्कोहल, अरे भाई कोई सजेस्ट करो, कुछ सजेस्ट करो मुझे प्राइवेट पार्ट, अरे यार कौन है यार ऐसा ऐसा कमेंट कर रहे हैं आप लोग लाइव में आके, यार स्टूडेंट गलत बात है, गलत बात है क्रिस्टियनो ओके। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मिथानॉल इथानॉल प्रोपानॉल ब्यूटानॉल ऐसे करके नेक्स्ट वाला क्या होगा कमेंट कर दो। तो नेक्स्ट मेंबर क्या होगा, नेक्स्ट का दो नंबर मेंबर पेंटानल मेरे से पहले कर दो,
दूसरा वाला क्या? हेक्सानल। और नेक्स्ट क्या हो सकता है? हेप्टानल। मैंने आपको कल बताया था एक कार्बन के लिए क्या, दो कार्बन के लिए क्या है ना। सर एक सॉन्ग प्लीज। ओके एकलव्य, थोड़ा ये समझा देते हैं जब शुरू कर दिया है तो। ठीक है, जब शुरू कर दिया है तो इसको समझा देते हैं ना बच्चे। ठीक है, तो अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, एल्डिहाइड का नेमिंग देखेंगे। ठीक है, तो देखो अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो एच सी एच ओ, अगर कंडेंस फार्मूला एच सी एच ओ इस तरह से, और ये स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला किसका, एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर का। अच्छा इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा बच्चों? देखो एक कार्बन है तो ऑब्वियसली मीथेन से आया होगा, तो मीथेन का हम लोग एम ई टी एच ए एन तक लिख लेंगे, और लास्ट में क्या दिख रहा है, सी एच ओ दिख रहा है मेरे को, लास्ट में क्या दिख रहा है, सी एच ओ, और सी एच ओ से मैंने क्या पहचान लिया, ये एल्डिहाइड ग्रुप से आया हुआ है। दैट मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप में अगर आया तो हम लोग लास्ट में क्या लगाएंगे, ए एल लगाएंगे, तो इसका नाम हो जाएगा मीथानल बच्चों, मीथानल। ठीक है, और इसका कॉमन नेम कोई बता पाएगा क्या, इसका कॉमन नेम एनीवन, कोई किसी को अगर इसका कॉमन नेम पता होगा तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा बच्चों फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, लाइक बढ़ना चाहिए, लाइक बढ़ना चाहिए बच्चों, बहुत मेहनत हो रही है लेकिन आप लोगों के लिए, है ना। तो हाँ गाना सुनाएंगे, कौन सा गाना आप कमेंट भी कर दो ना तो अच्छा रहेगा ना, एक ही गाना क्या सुनोगे बार बार, बोर लग जाएगा। ठीक है, लेट अस नेम द कंपाउंड। अच्छा ये भी देखो, मैंने आपको कहा अभी इसको हम लोग थोड़ा इग्नोर करते हुए चलेंगे, सी एच थ्री सी एच ओ। ठीक है, देखो लास्ट में सी एच ओ दिख रहा है, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये कंडेंस्ड फार्मूला है, और ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग देखेंगे तो लास्ट में मेरे को सी एच ओ दिख रहा है, लास्ट में मुझे क्या दिख रहा है बच्चों, इधर सी एच ओ दिख रहा है, तो ये देखते हमें पहचान लेना ये क्या एल्डिहाइड ग्रुप से है। ठीक है, लास्ट में सी एच ओ देखने से हमें क्या पहचान लेना, ये एल्डिहाइड ग्रुप से है। तो इसका नेमिंग करेंगे, देखो बच्चों कितना कार्बन दिख रहा है, एक दो, देयर आर टू कार्बन्स, देयर आर टू कार्बन्स, तो दो कार्बन के लिए मैं क्या करूँगा, दो कार्बन मतलब क्या, ये इथेन से आया होगा, इसका पेरेंट जो होगा हाइड्रोकार्बन वो इथेन होगा। ठीक है, तो इथेन से आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ई टी एच एन तक लिख लेंगे। ठीक है ना, इसका आईयूपीएसी नेम लिख रहे हैं बच्चों हम लोग, आईयूपीएसी नेम, तो इथेन का, और लास्ट में हम क्या कर लेंगे, देखो एल्डिहाइड ग्रुप है ना, तो हम लोग क्या कर लेंगे, ए एल लगा देंगे, दैट मीन्स आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा इसका, इथानल। अच्छा कोई इसका कॉमन नेम बता पाएगा क्या, कॉमन नेम कोई बता पाएगा क्या, तो इसका कॉमन नेम बता पाएगा कोई, इसका कॉमन नेम हो जाएगा बच्चों एसेटल्डिहाइड। ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, इसके इसके लिए कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ईगो सर जी, ईगो कौन सा गाना है यार, मुझे पता नहीं है सर, पतले कमर पतली, अरे यार इसका तो रील्स पूरा चल रहा है, आप लोग सब सी डब्ल्यू एस आर में का एक रील बनाओ सब मिलके, पतली कमर या क्या है। ठीक है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के बाद, ठीक है बोर्ड एग्जाम से पहले मत बनाना। तो कॉमन नेम क्या है इसका, हो जाएगा एसेटल्डिहाइड। ठीक है, याद रखना है, आईयूपीएसी नेम का तो लिखने का एक तरीका है, लिख लेंगे, लेकिन इसका कॉमन नेम आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट में आते हैं, ये वाला देखते हैं, सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ। ठीक है, ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, और ये स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब यहाँ पे देखो तीन कार्बन है, तीन कार्बन मतलब एक इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या होगा, प्रोपेन से ही आया होगा, इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन यही होगा, ठीक है। तो इसका आईयूपीएसी नेम अगर हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों, इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, तीन कार्बन के लिए क्या प्रोपेन का पी आर ओ पी एन तक लिख लेंगे, और ऑब्वियसली एल्डिहाइड ग्रुप पे तो लास्ट में ए एल लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्रोपानल। अच्छा ऐसा कॉमन नेम कोई बता पाएगा क्या बच्चों, कॉमन नेम हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं, कॉमन नेम। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम कोई बता पाएगा, कोई नहीं बता पा रहा है क्या, प्रोपियोनल्डिहाइड, प्रोपियो प्रोपियोन एल्डिहाइड, देखो आराम से याद हो जाएगा, प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड। ठीक है, ओके ओके ईशान, वेरी गुड, ओके आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो लाइक करो सब्सक्राइब करो, और यार बच्चे आप लोग 20 लाइक्स में निपट गया है क्या मेरा वीडियो, इतना भी खराब नहीं है यार, आप लोग लाइक्स तो दीजिए यार, इतना मेहनत करने के बाद आप लोग का बोर्ड एग्जाम, मैंने क्या कहा शुरू में कि बोर्ड एग्जाम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, जितना मेरे से होगा मैं करूँगा। ठीक है, लेकिन
इस आर्मी को आप बढ़ा सकते हो। आर्मी मेरे हाथ में नहीं है बढ़ाना, मेरे हाथ में अच्छा बढ़ाना है, लेकिन आर्मी बढ़ाना आपके हाथ में, आप चाहोगे तो बढ़ेगा नहीं तो नहीं बढ़ेगा। कीटोन्स आते हैं, कीटोन ग्रुप में एल्डिहाइड खत्म। कीटोन कैसे पहचानते हैं, मैंने आपको बताया था, कभी भी इस तरफ भी और इस तरफ भी आप बोलोगे सर आपने ये आर क्या लिख दिया, आर मतलब एल्काइल है, एल्काइल के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं आर, ठीक है। कभी लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों में अगर हमको एल्काइल दिख गया, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ अगर मेरे को कभी एल्काइल दिख गया तो हम पहचान जाएंगे बीच में सी डबल बॉन्ड ओ दिख गया, ये रहा देखो, दैट मीन्स कीटोन ग्रुप है। तो कीटोन ग्रुप का होमोलोगस सीरीज, मतलब इसके सारे मेंबर्स का अगर सीरीज देखें तो कुछ इस तरह से है। पहला वाला जो मेंबर है वो प्रोपानोन होगा, दूसरा वाला मेंबर होगा ब्यूटानोन, तीसरा वाला पेंटानोन, चौथा वाला हेक्सानोन, पांच वाला कोई बता पाएगा क्या होगा? पेंटानोन, ऐसे करके हेक्सानोन हेप्टानोन, है ना, बढ़ते जाएगा तो ये इसका नाम भी आते जाएगा। नेमिंग में आते हैं तो कीटोन का सारा नेमिंग देखेंगे, आपको पता है आपका ये सारे फॉर्मूलाज मैंने बार बार बता रहा हूँ, दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो कीटो अगर हम लोग बनाएंगे, देखो यहाँ पे क्लियरली आपको एक चीज़ दिख रहा है, मैंने ये आपको एग्जाम्पल में भी दिखाया था जब मैं पढ़ा रहा था कीटोन कैसे पहचाने। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में देखो लेफ्ट साइड में एक एल्काइल ग्रुप है विच इज मिथाइल, राइट साइड में भी एक एल्काइल ग्रुप है विच इज ऑल्सो मिथाइल, दोनों तरफ बच्चों आप लोग देख पाओगे मिथाइल है, इधर भी मिथाइल और इधर भी मिथाइल, और बीच में सी डबल बॉन्ड वो दिख रहा है, दैट मीन्स ये कीटोन ग्रुप है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, कोई कमेंट कर दो, इसका IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपानोन, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना। और इसका कॉमन नेम कोई बता पाएगा क्या, कॉमन नेम कोई बता पाएगा क्या, है ना, इसका कॉमन नेम हो जाएगा बच्चों एसेटोन, कॉमन नेम है एसेटोन, ठीक है, कॉमन नेम याद रखना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है IUPAC नेम जैसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट इसका नेमिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो CH3CO है ना, ऐसा करके आपका मॉलिकुलर फार्मूला है, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो ये कंडेंस फार्मूला है और ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, और यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 2 3 4, स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, ये तो बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है ना, ये तो 6 कार्बन वाला है, ये तो स्ट्रक्चर लगता है मुझे खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है, बना लेते हैं। 1 2, इसको आप इग्नोर करो, ठीक है, अभी इसको इग्नोर करना, ठीक है, ये वाले को इग्नोर करना, मैं खुद देख लेता हूँ इधर, 3 4 कार्बन, CH3 मतलब इस तरफ 3 हाइड्रोजन, फिर सी डबल बॉन्ड मतलब इधर डबल बॉन्ड के साथ वो, फिर यहाँ 2 हाइड्रोजन CH2, फिर CH3 है मतलब इस तरफ 3 हाइड्रोजन, ओके, ये मेरा स्ट्रक्चर बन गया बच्चों, है ना। अब यहाँ पे आप लोग देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस तरफ में देखो लेफ्ट साइड में एक एल्काइल ग्रुप है जिसको हम लोग बोलेंगे मिथाइल, राइट। इस तरफ में भी देखो बच्चों क्या दिख रहा है, एक और एल्काइल ग्रुप दिख रहा है जो कि है इथाइल, क्यों, C2H5 मतलब इथाइल, CH3 मतलब मिथाइल, तो इधर भी दिख रहा है इथाइल, और बीच में सी डबल बॉन्ड हो दिख रहा है, दैट मीन्स ये कीटोन ग्रुप से है, ये कौन सा ग्रुप से है, कीटोन ग्रुप से, और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1 2 3 4, 4 कार्बन है, दैट मीन्स प्रोपेन से आया होगा तो प्रोपेन का, सॉरी ब्यूटेन से आया होगा तो ब्यूटेन का BUTAN तक लिख लेंगे, और लास्ट में क्या कर देंगे, कीटोन का ONE लास्ट में लगा देंगे, ब्यूटानोन, इसका IUPAC नेम हो जाएगा ब्यूटानोन। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका कॉमन नेम कोई बताओ कमेंट में, कॉमन नेम एनीवन, कोई है तो अगर बता पाए तो, देखो इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल, देखो यहाँ पे इथाइल है इसीलिए, और दूसरा क्या हो जाएगा मिथाइल स्पेस देके फिर कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है, बात समझ गए। और एक देखते हैं है ना, ये वाला देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक है, तो CH3 C डबल बॉन्ड और CH2 CH2 CH3, ओके,
तो ये कंडेंस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया हुआ है, कंडेंस फॉर्मूला, ये कंडेंस फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये कंडेंस्ड फॉर्मूला दिया हुआ है और ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया हुआ है बच्चों। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा बच्चों, IUPAC नेम इसका, देखो पांच कार्बन है, पांच कार्बन मतलब फाइव कार्बन मतलब आपको पता होगा इसका पेरेंट एल्केन क्या होगा, पेरेंट हाइड्रोकार्बन इसका हो जाएगा क्या, पेंटेन है ना। तो यहाँ पे IUPAC नेम में क्या हो जाएगा, पेंटेन का PENTAN तक लिख लेंगे और ई का जगह में क्या हो जाएगा, ई का जगह में वन लग जाएगा, पेंटानॉन, क्योंकि ये कीटोन ग्रुप से है। कैसे पता चला, क्योंकि मेरे को भैया देखो लेफ्ट साइड में भी एक एल्काइल ग्रुप दिखा, फिर राइट साइड में भी एक एल्काइल ग्रुप दिख गया, ठीक है, और बीच में सी डबल बॉन्ड दिख गया है ना। तो लेफ्ट साइड में मिथाइल है, राइट साइड में क्या देखो, इधर क्या मिथाइल है और इधर में क्या है देखो, तीन कार्बन मतलब मीथ ईथ प्रोपाइल है। तो मिथाइल और प्रोपाइल के बीच में क्या है, सी डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स कीटोन ग्रुप से आया, इसलिए इसका नेमिंग जो होगा मैंने लिख दिया पेंटानोन। अच्छा इसका इसका आपका कॉमन नेम का अगर बात करें तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा बच्चों, कोई गेस कर सकता है क्या इसका कॉमन नेम, एनीवन हु कैन गेस कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल प्रोपाइल उसके बाद कीटोन, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। अरे वाह प्रणय कुमार जा क्या बात है, वाह एकलव्य राज बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे, ठीक है, फ्री फ्री, ओके फ्री फ्री, कल मैथ्स का पेपर है बट ये पढ़ेंगे, साथ वाले आ गए पढ़ने अब है पढ़ेंगे, ओके चलो पढ़ो, बहुत ही अच्छा बात है, अगर आप खुश हो रहे हो मेरा पढ़ाने से तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, अगर कोई भी कार्बन कंपाउंड है अगर उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड दिख जाए लास्ट में, अगर HCOOH मतलब अगर COOH दिख जाए, नॉट HCOOH, अगर COOH लास्ट में दिख जाए बच्चों तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैंने आपको पढ़ाने के टाइम में बताया था कैसे पहचानते हैं, ठीक है, कि अगर हमको ऐसा दिख जाए कहीं पे C डबल बॉन्ड O और इधर OH, या कहीं ऐसा दिख जाए कि ऊपर H और इधर डबल बॉन्ड हो, तो ये COOH, इससे क्या पहचान में आएगा, ये COOH है तो, ठीक है। तो देखो इसका होमोलोगस सीरीज का अगर बात करें, होमोलोगस सीरीज, तो पहला मेंबर मिथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, पांच वाला क्या हो सकता है, पेंटानोइक एसिड, राइट है ना, ऐसे छठा वाला क्या हो सकता है, हेक्सानोइक एसिड है ना, सात वाला सेवेंथ मेंबर क्या हो सकता है, हेप्टानोइक एसिड, ऐसा करके बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग करते हैं सारे एक एक करके सबका कैसे कैसे स्ट्रक्चर होता है इनका देखते हैं। देखो ये हो गया फॉर्मूला और ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो देखो क्लियरली दिख रहा है एक कार्बन है और इसका ये फर्स्ट मेंबर है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये फर्स्ट मेंबर है या सिंपलेस्ट फॉर्म है, इस ग्रुप का ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। तो इसका नेमिंग कब करेंगे, तो ऑब्वियसली यार ये मीथेन से आया होगा, यार मीथेन से आया होगा, इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या रहा होगा, मीथेन रहा होगा, ये समझ जाना पेरेंट हाइड्रोकार्बन, तो मीथेन से आया होगा, तो दैट मीन्स हम लोग इसका IUPAC नेम जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, शुरू में METHAN, क्यों, मीथेन का ई छोड़ के बाकी सारा लिख लेंगे और ई का जगह क्या लगाएंगे पता है, ओइक एसिड, क्यों, क्योंकि मेरे को यहाँ पे COOH दिख रहा है, मेरे को यहाँ पे सी डबल बॉन्ड OH दिख रहा है क्लियरली, तो दैट मीन्स ये कहाँ से आया होगा, मैंने पहचान लिया ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा इसमें लगा हुआ है, दैट मीन्स ये मिथानोइक एसिड। इसका कॉमन नेम भी होता है, कॉमन नेम, तो सर कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कोई बताएगा क्या कॉमन नेम, एनीवन कोई बता सकता है क्या, इसका कॉमन नेम होगा बच्चों फॉर्मिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, ठीक है, IUPAC नेम इसका CH3COOH का, CH3COOH, देखो ये, देखो ये होगा आपका, आपको पता होगा ये मॉलिकुलर फार्मूला या स्ट्रक्चरल फार्मूला है ना, ओके। तो
सी एस थ्री सी ओ एच, फिर से मेरे को सी डबल बॉन्ड एच। अच्छा आप लोग अगर लॉन्ग चेन में बनाओगे तो ऐसा दिखेगा कुछ। बच्चों देखो सी एस थ्री, तो मैंने जो स्ट्रक्चर दिखाया उससे कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है यही है। तो मेरे को लास्ट में क्या दिख रहा है, एक मिनट रुक जाओ, ओ एच। तो देखो यहाँ पे मेरे को सी डबल बॉन्ड ओ एच दिख रहा है, क्लियरली सी डबल बॉन्ड ओ एच दिख रहा है। दैट मीन्स मेरे को समझ में आ गया ये कार्बोक्सिलिक एसिड से आया हुआ है। अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, अब मैं करने वाला हूँ कि यहाँ पे इसका आई यू पी एस सी नेम लिखने का कोशिश करूँगा। तो देखो दो कार्बन है तो ऑब्वियसली इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या रहा होगा, पेरेंट क्या रहा होगा इसका, ये इथेन से आया होगा। तो इथेन का हम लोग क्या कर लेंगे, आई यू पी एस सी नेम लिखने के टाइम में हम लोग ई टी एच ए एन तक लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे। और ई का जगह हम लोग क्या करने वाले हैं, ओइक एसिड। तो इसका आई यू पी एस सी नेम आ गया इथानोइक एसिड। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इथानोइक एसिड। ओके नेक्स्ट कॉमन नेम में आते हैं बच्चों, इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम ठीक है। तो कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, कोई बता पाएगा क्या, एनी वन हु नोज, जिसने पढ़ा है पहले से। इसका कॉमन नेम हो जाएगा बच्चों एसेटिक एसिड। ओके कॉमन नेम आपने याद रखना है। आगे चलते हैं, बहुत सारा है इसका हम लोग करने वाला है। ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मैंने जो होमोलोगस सीरीज दिखाया था एक एक करके सारा का आई यू पी सी नेम लिखना, हम बता रहे हैं आपको कैसे लिखना है। देखो यहाँ पे तीन कार्बन है, अच्छा इसको स्ट्रेट चेन में बनाएंगे तो कैसा बनेगा मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे आप कन्फ्यूज हो जाओगे नहीं तो। बच्चों सी डब्ल्यू एस आर में बढ़ रहा है ना कि नहीं बढ़ रहा है, सी डब्ल्यू एस आर में बढ़ रहा है कि नहीं बच्चों। देखो सी डब्ल्यू एस आर में का जिम्मेदारी आपका है, आप लोग याद रखेगा ठीक है। मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, सी डब्ल्यू एस आर में बनाना बड़ा करना आपके हाथ में है, मेरे हाथ में पढ़ाना है अच्छा पढ़ाना। मेरे एक ही काम कर सकता हूँ मैं, अच्छा पढ़ा सकता हूँ आपको, बोर्ड के लिए गाइड कर सकता हूँ, कैसे एग्जाम का पेपर लिखना ये बता सकता हूँ, कैसे तैयारी करना ये बता सकता हूँ, सैंपल पेपर कैसे करना ये बता सकता हूँ, टाइम कैसे बचाना सारा मैं बता सकता हूँ। लेकिन इस आर्मी को बड़ा तो आप ही कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता ठीक है। तो ये सी बी एस ई वाले सर आर्मी को आप बड़ा करोगे ठीक है। चलो आते हैं, तीन कार्बन है तो इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या होगा बच्चों, आप बता दो इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या होगा, कहाँ से ये आया होगा। तो ये ऑब्वियसली क्या से आया होगा, प्रोपेन से आया होगा राइट, क्योंकि तीन कार्बन दिख रहे हैं। प्रोपेन में से किसी हाइड्रोजन का जगह ये सब आ गया है ठीक है। ओके तो अब इसका आई यू पी एस सी नेम लिखते हैं, इस स्ट्रक्चर का हम लोग आई यू पी एस सी नेम लिखते हैं। तो आई यू पी एस सी नेम जब भी लिखते हैं तो हम लोग पेरेंट हाइड्रोकार्बन का शुरू का लिख लेंगे, पी आर ओ पी ए एन तक लिख लेंगे। ओके और क्या करेंगे, ई का जगह में हम लोग क्या कर देंगे, ये देखो सी डबल ओ एच दिख रहा है लास्ट में, सी डबल ओ एच, इसके लिए हम क्या कर देंगे, सी डबल ओ एच की जगह हम लोग क्या करने वाले हैं, ये हमको समझ में आ जा रहा है कि ये क्या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसलिए क्या करेंगे ओइक एसिड। अच्छा कॉमन नेम इसका क्या हो सकता है, कोई बताएगा, अगर किसी को आता है तो आप लोग कमेंट करके बता दो ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या होगा, कोई बता सकता है तो बता दो, एनी वन। प्रोपियोनिक एसिड, ओके इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, देखो प्रोपियोनिक एसिड। ओके आगे देखते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम ठीक है। तो बच्चों होप करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छा से आप लोग कमेंट कर दो। हाय सर मैं कार्तिक, ओके कार्तिक आप लक्ष्मी देवी के नाम से आज आए हो, अगले दिन तो पहले तो आप शायद आए थे मेरे क्लास में है ना, कार्तिक नाम से आप थे। तो बच्चों अगर आप लोग ने मेरा मैथ का सिलेबस में कितना घंटा पढ़ना चाहिए, 30 दिन में मैथ ख़त्म कैसे करना चाहिए, अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो मैंने एक वीडियो डाला हुआ है उधर पे, मैंने चैप्टर वाइज किसको प्रैक्टिस करने में कितना टाइम लग जाएगा मैंने प्रॉपरली वहाँ समझाया है, और लास्ट मैंने एवरेज करके दिन में कितना घंटा पढ़ना चाहिए वो भी मैंने उस वीडियो में बताया है। तो आप लोग जाके मेरा वो वीडियो ज़रूर देखेगा, आपको बहुत मदद करेगा ठीक है, बहुत मदद करेगा ठीक है। तो होप करता हूँ आप लोग ने, मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा, लेकिन अगर किसी ने नहीं देखा तो आप लोग जाके ज़रूर उसको देखना ठीक है। मैं चाहूँगा आप लोग वो वीडियो देखो, वो आपको मैथ के बारे में एक आपको आइडिया दे देगा कि आपको दिन में कितना घंटा मैथ पढ़ना है, किस किस चैप्टर में कितना टाइम लग सकता है ना, क्या क्या करना है नहीं करना है ठीक है। और भी अगर टिप्स अगर आपको चाहिए तो बोलिएगा इस कमेंट में, मैं अगर आप कमेंट में बोलोगे तो मैं काफ़ी ट्रिक टिप्स वगैरह मैं सोचा हूँ मैं लाने का, कुछ टिप्स कवर हाउ टू कवर साइंस इन 30 डेज, फिर और एक है कि दिन में कितने घंटा पढ़ना चाहिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, उसके बाद ऑनलाइन क्लास सही है या ऑफलाइन क्लास सही है,
कुछ टॉपिक्स मैंने लिख के रखा है, फिर उसके बाद है कुछ फोकस कैसे करें, पढ़ाई में मन नहीं करता फोकस कैसे बढ़ाएं, उसके बाद वन शॉट वीडियो देखना कितना सही है या कितना गलत है, वन शॉट वीडियो क्या है, कितना सही आपके लिए है नहीं है वो भी है, ठीक है। तो कई सारे मैंने टॉपिक रेडी किए हुए हैं, अगर आप चाहोगे तो मैं उनका भी वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। ओके चलो तो आते हैं कोल एंड पेट्रोलियम बच्चों। तो कोल एंड पेट्रोलियम तो कोई नया चीज़ है नहीं, आप लोग बहुत दिन से पढ़ते हुए आ रहे हो कोल एंड पेट्रोलियम को, है ना। तो कोल एंड पेट्रोलियम जो है, ठीक है, इसको हम देखते हैं। कोल क्या है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, वो भी कार्बन का कंपाउंड का और हाइड्रोजनेटेड ऑक्सीजन का, हाइड्रोजनेटेड ऑक्सीजन का, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा हुआ है, वाई हाइड्रोजनेटेड ऑक्सीजन, स्पेलिंग मिस्टेक अगर है तो इसको इग्नोर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो हाइड्रोजनेटेड ऑक्सीजन का, ठीक है, और कुछ कुछ फ्री कार्बन का, ठीक है। तो कोल क्या, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजनेटेड ऑक्सीजन, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होना चाहिए एक्चुअली बच्चों। तो कोल इज अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड सम फ्री कार्बन। तो कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का और कार्बन कंपाउंड का जो मिक्सचर है वो कोल है, ठीक है। तो कोल के बारे में थोड़ा चीज़ बात करते हैं। कोल जो होता है ये, ठीक है, ये कोल एक्चुअली क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है कभी भी, ठीक है। कोल जो होता है अगर ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करे, अगर रिएक्ट करता है तो आपको पता है एक रिएक्शन होता है, कुछ ऐसा रिएक्शन होता है कि बहुत सारा हीट और लाइट बनता है। दैट मीन्स क्या, कार्बन क्या होता है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन मतलब कोल, कोल भी एक कार्बन ही है इसीलिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो क्या होता है, एक CO2 बनता है और हीट बनता है और बहुत सारा लाइट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो हम लोग जितना भी फ्यूल्स आज के दिन में यूज़ करते हैं ये सारा कोल से मिल रहा है हमको। कहाँ से मिल रहा है बच्चों, वी आर गेटिंग दिस फ्रॉम कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो कोल से, पेट्रोलियम से और बहुत सारे नेचुरल गैसेस से हमको ये सारी चीज़ें मिल रही है, ठीक है। तो कोल और पेट्रोलियम को आपको पता होगा हम लोग फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। और फॉसिल फ्यूल्स के बारे में आपको पता होगा, तो क्या पहले ज़माने में बहुत सारे प्लांट एनिमल्स जो दब गए थे कुछ हज़ारों साल पहले, फिर धीरे 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 क्या हो गया, वही डिकम्पोज होते गए और कोल और पेट्रोलियम बन गया, है ना। ये चीज़ें आपको पता होगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, अच्छा कोल क्या है आपको पता होगा, अभी भी बताया मैंने, कोल कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, है ना। अभी अभी मैंने बताया कोल कैसे बना होगा, आपको पता होगा, मैंने अभी बताया कोल कैसे बना कि हज़ारों हज़ारों साल पहले, बहुत सालों पहले क्या एनिमल प्लांट, है ना, इनके जो रिमेन्स होते हैं ये सारे दब जाते हैं नीचे, दब जाने के कारण से क्या होता है, धीरे धीरे वो डिकम्पोज होते जाते हैं, धीरे धीरे फिर वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड क्या होता है, कोल बन जाता है, ठीक है, अर्थ के अंदर ही, ठीक है। तो कोल पेट्रोलियम इसी तरह से बनता है, ठीक है। पेट्रोलियम भी जो होता है वो डिकम्पोजिशन से बनता है, बहुत स्मॉल स्मॉल प्लांट्स, एक्सट्रीमली स्मॉल प्लांट्स और एनिमल से जो जमीन में दब गए थे, ठीक है। तो आपको क्या है कि ये कोल और पेट्रोलियम का इतना बेसिक नॉलेज आपको पता है, ठीक है। तो पेट्रोलियम जो होता है, ठीक है, ये बर्न होता है तो कुछ फ्लेम के साथ बर्न होता है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो पेट्रोलियम के बारे में मैंने बता दिया यहाँ पे। तो व्हाई डू सब्सटेंस बर्न विद अ फ्लेम और विदाउट अ फ्लेम, कोई भी सब्सटेंस फ्लेम के साथ बर्न क्यों करता है या विदाउट फ्लेम क्यों बर्न करता है, ठीक है, ये सब आपको पता होगा। कभी भी कोई भी सब्सटेंस अगर बर्न कर रहा होगा, अगर उस टाइम उसको सफिशियंट ऑक्सीजन मिले, क्या मिले, अगर सफिशियंट ऑक्सीजन मिले, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो कम्प्लीटली बर्न होता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो कम्प्लीटली बर्न होता है, अगर सफिशियंट ऑक्सीजन उसको मिल जाए तो वो कम्प्लीटली बर्न होता है। अगर सफिशियंट ऑक्सीजन अगर ना मिले तो वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होता और फिर कुछ रेसिडुअल्स छोड़ देता है पीछे, कुछ ऐसा चीज़ छोड़ देता है जो जला नहीं है बैक में, पीछे में, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि कोल्स जो होते हैं, ये जो फ्यूल्स वगैरह जो होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, जो कंप्लीट बर्न करने वाले होते हैं और जो इनकम्प्लीट बर्न करने वाले होते हैं, ठीक है। जितने भी गैसियस फ्यूल्स है वो फ्लेम के साथ बर्न करते हैं, लेकिन जितने भी सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स है, ठीक है, ये क्या करते हैं, दे वेपराइज ऑन हीटिंग, है ना, और हीट करने पर ये वेपराइज करते हैं। इस कारण से क्या होता है, ये हीट करने के टाइम में वेपराइज होते हैं,
इसलिए फ्लेम के साथ बर्न करते हैं, कुछ रोशनी के साथ बर्न करते हैं, ठीक है। तो फ्लेम्स दो टाइप के होते हैं, ब्लू फ्लेम और येलो फ्लेम, ठीक है। जब ऑक्सीजन सप्लाई सफिशियंट होगा तो फ्यूल कंप्लीटली बर्न करेगा, पीछे कोई भी रेसिड्यूल नहीं छोड़ेगा, कोई भी नहीं जला हुआ पोर्शन नहीं छोड़ेगा, तो वो ब्लू फ्लेम में जलेगा, जैसे कि आपका घर में गैस जलता है, ठीक है, एलपीजी। और आपको पता होगा आपके घर में जो गैस है एलपीजी, वो भी एक हाइड्रोकार्बन ही है, अंदर ब्यूटेन ही है वो, ठीक है। ब्यूटेन ही कंप्रेस्ड करके दिया गया है आपको जलाने के लिए। अगर आपको पता होगा कुकिंग गैस जो होता है एलपीजी, वो हमको हमारा ब्लू फ्लेम में जलता है, ठीक है, और वो नॉन ल्यूमिनस है, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन सप्लाई इनसफिशियंट हो जाए तब क्या होता है, फ्यूल इनकम्प्लीटली बर्न होता है, इनकम्प्लीटली बर्न होता है, और क्या करता है, एक येल्लो फ्लेम प्रोड्यूस होता है। क्यों येल्लो फ्लेम? क्योंकि सूटी फ्लेम वो कुछ धुआं भी छोड़ता है काला काला, ठीक है, और येल्लो फ्लेम बर्न होता है, ठीक है। ये आपको पता होगा, जैसे कि आप लकड़ी जलाते हो बाहर, अगर घर में कभी अभी सर्दियां हैं, आप आग वगैरह अगर सेकते हो तो लकड़ी जलाओगे देखोगे कि तो आप येल्लो फ्लेम में जल रहा है, क्योंकि एक्चुअली लकड़ी जब जलाओगे तो उसके जो कार्बन है वो कंप्लीट बर्न नहीं होगा, और कंप्लीट बर्न नहीं होने के कारण से क्या होगा, पहला बात वो सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करेगा और साथ ही साथ येल्लो फ्लेम में जलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होगा, ठीक है। कोई भी सॉलिड या लिक्विड जो वेपराइज नहीं करते, ठीक है, कोई भी सॉलिड अगर वो वेपराइज नहीं करते, अगर वेपराइज करेंगे तब तो भाई फ्लेम दिखेगा, है ना। अगर वेपराइज नहीं करते देन दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लेम, ठीक है। जैसे कि चारकोल और कोल, ठीक है, हम लोग को पता होगा कोयला हम लोग जलाते हैं ना, कोयला, कोयला आपको पता होगा, कोयला हम लोग बहुत सारे बच्चे जानेंगे जो पहाड़ में रहते हैं ना, पहाड़ी अगर कोई यहाँ पे है तो कमेंट कर दो, कोयला आपको पता है क्या? कोल ये हम लोग अंगीठी में जलाते हैं, अंगीठी बोलते हैं, अंगीठी कैसा होता है वो पता है? ऊपर से ऐसे गोल रहता है, यहाँ पे ऐसे करके रहता है, और यहाँ पे खिड़की जैसा रहता है, ऐसे खुला दरवाज़ा, यहाँ से हम लोग हवा मारते हैं, हवा यहाँ से एयर मारते हैं हम लोग अपने हाथ से, और ऊपर में कोयला ऐसा बहुत सारा रखा जाता है, और ये कोयला जलता है लेकिन कोई फ्लेम नहीं होता इसमें, दे डू नॉट बर्न विथ फ्लेम, ये फ्लेम में नहीं जलता, ठीक है। लेकिन तो जो क्या होता है कि क्योंकि ये इसीलिए क्योंकि ये जो है ये वेपराइज नहीं करता जलने के टाइम में, और वेपराइज नहीं करेगा तो फ्लेम भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो फ्लेम प्रोड्यूस होने के लिए आपको पता है एक ही कंडीशन है कि कोई भी सब्सटेंस जब जलने के टाइम में अगर वेपराइज करता है हीटिंग होने के टाइम में, देन दे बर्न विद द फ्लेम, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस अगर वेपराइज करता है जलने के टाइम में, देन दे बर्न विद द फ्लेम, और अगर वेपराइज ही नहीं करेगा तो देन दे डू नॉट बर्न विद द फ्लेम। इसीलिए कोल क्या है, कोल हो या चारकोल हो, दे डू नॉट बर्न विद द फ्लेम, विथ अ फ्लेम, क्योंकि दे डू नॉट वेपराइज, क्योंकि ये वेपराइज नहीं करते बर्न होने के टाइम में, दे डू नॉट वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग, वाइल बर्निंग, ठीक है बच्चों। तो होप करता हूँ ये सेशन आपको बहुत मज़ा आया होगा, ये सेशन में आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैं इतना आपको कहूँगा कि ये लाइव ख़त्म होने के बाद आप फिर से अपने दोस्तों को इसका लिंक भेजिए या इनको रिकमेंड कीजिए मेरा ये सेशन, है ना। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, आप ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, कोल एंड पेट्रोलियम कैसे बन रहा है ये सब हमने देख लिया, फ्लेम के बारे में जान लिया, है ना। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है हमारा कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, ये नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, बस खत्म होने वाला और एक पार्ट में खत्म, ठीक है। अच्छा आप बोलोगे कि सर आपने इतना डिटेल्स में क्यों पढ़ाया, देखो मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्लियरली समझ जाओ, वन शॉट में इतना डिटेल्स नहीं जाता बच्चों, मैं चाहता हूँ कि आपको क्लियरली चीज़ें समझ में आए। अभी भी टाइम है हमारे हाथ में, ऐसा नहीं है कि परसों ही साइंस एग्जाम है, अभी टाइम है, 40-45 डेज, हम अगर डिटेल्स में भी पढ़ेंगे तो भी हम सीख जाएंगे, समझ जाएंगे सारे, ठीक है। अगर हम टाइम देंगे तो हम सारा समझ जाएंगे फटाफट, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हम लोग, है ना, कार्बन कंपाउंड्स का, ठीक है। और हम लोग इम्पोर्टेंट दो कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, दो, वो है इथानॉल, और इथानॉल दैट मीन्स हम लोग हाँ एल्कोहल में से इथानॉल का पढ़ेंगे, और इथानोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में से, इन दोनों ग्रुप में से, ठीक है। तो इन दोनों फंक्शनल ग्रुप में से हम ये दोनों इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यही हमारा सिलेबस में है, हमारा सिलेबस में कहा गया है कि यही हमने पढ़ना है। तो इसका केमिकल प्रॉपर्टी, इथानॉल का, इथानोइक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, नहीं होता है ना,
और कैसा कैसा रिएक्शन होता है इनमें, ठीक है, ये सारा चीज़ें हम पढ़ेंगे और यही हमारा लास्ट होने वाला है। इसके बाद हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा चीज़ लास्ट में आएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ख़त्म करने के बाद सोप एंड डिटर्जेंट, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, तो नेक्स्ट क्लास एकदम मिस मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल सोप डिटर्जेंट से क्वेश्चन मिलता है, हर साल इसमें से भी क्वेश्चन मिलता है, तो नेक्स्ट जो सेशन होगा वो तो वो और भी बहुत ही बढ़िया होगा। तो आप लोग सारे अच्छे से पढ़िएगा। अब बोलिए किसको गाना सुनना है। अभी मैंने ये ख़त्म कर दिया, अब मैं गाना सुनाने के लिए रेडी हूँ। अगर आप लोगों को सुनने का मन है तो आप लोग रुकिए और गाना सुन के जाइए, लेकिन कमेंट करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है, लेकिन कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ लिया बच्चों यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये सारा आप रिवाइज भी कर लेना घर में एक बार, आपको आराम से आ जाएगा। समझ आया सर? अब सभी बच्चों को समझ में आया क्या? कोई गाना रिकमेंडेशन अगर नहीं है तो मैं फिर ख़त्म कर दूंगा, है ना। ओके ईशान, CWS आर्मी की जय, है ना। आप लोग के हाथ में CWS आर्मी, मेरे हाथ में तो बस पढ़ाना है ना। मैं तो पढ़ा ही सकता हूँ आपको, बस और क्या कर सकता हूँ मैं, ठीक है बच्चों। तो सर आपका फेवरेट सॉन्ग? भाई मेरे को तो गाना याद ही नहीं आता सोचने के टाइम में, है ना। ओके आगवान, गुड, आपको भी समझ में आया, अच्छा लगा देख के आपको समझ में आया, ठीक है। और एनीवन, अगर किसी का रिकमेंडेशन नहीं है गाना का तो लाइव क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। चलिए बच्चों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, अच्छा रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। बोर्ड एग्ज़ाम है आगे, कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपका बोर्ड एग्ज़ाम में बाधा बने, ठीक है। फिर मिलेंगे, साइनिंग ऑफ बच्चों, बाय बाय।